तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IGL के स्टॉक के बारे में। IGL के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको पिछले लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में एक यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.46% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी हमारे पास स्टॉक है 475 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन को यहाँ पर स्टॉक है 486, और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन को यहाँ पर स्टॉक है 501, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 516, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 546, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 570, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अभी 600 के लेवल्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। भाई यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अब गिरावट कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 459 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन को यहाँ पर स्टॉक है 441, और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ पर ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 429 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।